फॉर कुमकुम भाग्य आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट देम. इतने सारे एपिसोड्स इतने सक्सेसफुली कंप्लीट करना और इतनी अच्छी स्टोरी लाइन के साथ, इतने अच्छे व्यूअरशिप के साथ, इट इज़ एन अचीवमेंट. आजकल के दौर में जब शोज स्ट्रगल करते हैं एक एक दो दो महीना छः महीने के लिए, इतने सारे एपिसोड्स कंप्लीट कर लेना, इट इज़ कमेंडेबल. एंड कुमकुम भाग्य ने हमेशा ही अच्छी स्टोरीज पर वर्क किया है. बालाजी ने इतने अच्छे से काम किया है इस पूरे शो पर, सो माय कांग्रेचुलेशंस टू देम. आई थिंक कभी कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करता कि उनका शो इतना लंबा चलेगा. चाहत होती है, तमन्नाएं होती हैं, पर पता नहीं होता कि कहाँ तक जा पाएगा. पर बहुत अच्छा लगता है जब आपकी मेहनत सक्सेसफुल हो, सिर्फ उस शो में काम करने वालों की नहीं. जैसे हमें भी खुशी हो रही है कि कुमकुम भाग्य ने इतना अच्छा मकाम पाया है, इतने एपिसोड्स कंप्लीट किए हैं. इट इज़ कमेंडेबल. मैं बीइंग फ्रॉम द सेम इंडस्ट्री, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लोग इतने आगे पहुंचते हैं और इतना अच्छा नाम कमाते हैं लाइक कुमकुम भाग्य. वो तो हमेशा ही रूल करती है. एकता ने कब रूल नहीं किया है? आई थिंक she is the biggest entrepreneur in not only in television industry, in India I would say. Unse achhi business woman kaun hogi who just knows ki kis nerve ko pakadna hai audience ke. She knows what to sell, so she is the best. Ma'am, aapko kya lagta hai Big Boss? Bhai, main Big Boss nahi dekhti hu. I think I'm missing something this season, right? Kyunki bahut baatein ho rahi hain. बहुत. एंड आई रियली गेट क्यूरियस नाउ, बट आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि मैं इतनी क्यूरियस हूँ और जानना चाहूँ कि कौन क्या कर रहा है बिग बॉस हाउस में. बट दिस सीजन हैज़ बिन क्वाइट इंटरेस्टिंग. बर्थडे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा मेरा. मेरे हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया था और एक के बाद एक आई वॉज जस्ट ट्रैवलिंग टू डिफरेंट प्लेसेस. इट वॉज़ गुड.